और गाइज अभी हम खाना खाने जा रहे हैं लगभग। और गाइज खाना पीना आ चुका है, आज विजय भाई के साथ खाना खा रहे हैं अपन। हाँ उसको आराम कर लेते हैं। अभी वहां से जाकर नीम करोली बाबा के यहाँ। तो भाई बस आगे जा रहा हूँ मैं। और अभी हम सेकंड फ्लोर पे पहुंच गए। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी, वापस से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। और गाइज अभी लगभग 11 बज चुकी है और कल से विजय भाई के पास था रात भर का। और अभी जाने की सोच रहा हूँ मैं गोविंद भैया के पास, क्योंकि गोविंद भैया ने कॉल किया था मेरे पास सुबह लगभग, उन्होंने 8 बजे कॉल कर दिया था। बोल रहे थे तू आ जा अपने रूम पर रुकना, लेकिन वो चले जाते हैं 10 बजे और अब तो ज़्यादा टाइम हो गया। और वो आएंगे फिर से रात में 10 बजे, यानी कि उनकी 12 घंटे की ड्यूटी रहती है। और अभी विजय भाई के पास ही अभी नहा लूँ जाके और फिर मार्केट की ओर जाऊंगा, थोड़े दोस्तों से मिलूंगा। और मेरा प्लान बन रहा है कि अरुण भाई को कॉल किया मैंने, अरुण भाई भी मना कर रहा है आने के लिए कि मुझे अभी टाइम लगेगा तो मैं रुक नहीं सकता। और कल हमने जाके मार्केट में सब जगह पता करा था छोटा छोटा अपन कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं जमा हमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग रही है और इतनी अपन लगा नहीं सकते, अपने पास ज़्यादा नहीं है लगाने लायक। तो अभी सोच रहे हैं मैं जो खुद ही मैं ट्रेवल करूँ और ब्लॉगिंग करूँ ताकि इस पर मेरा यूट्यूब ग्रो हो और मैं इससे कुछ अच्छा काम कर सकूँ, खुद का नाम कमा सकूँ। तो यही सोच रहा हूँ कि अब मैं डेली ब्लॉगिंग तो चालू है मेरी, लेकिन मैं ट्रेवलिंग ब्लॉग बनाऊँ। और गाइस ट्रेवल में आप सभी को पता है खर्चा तो होता है, और मैं कम से कम खर्चा करता हूँ, जब भी 200 रुपये तक तो पहुँच ही जाता है खर्चा। और मेरे पास अभी पैसे भी नहीं इतने ज़्यादा, और अगर मैं रूम से रहूँगा यहीं पर इंदौर में रहूँगा तो लगभग मेरे रूम के हो जाएंगे 3,000 और खुद का खाने का 3,000-6,000 रुपये और 1,000 रुपये और ऊपर मान लो, क्योंकि यहाँ बाहर सिटी में रहने में खर्चा तो होता है। और ऐसा ही है कि अगर ट्रेवल भी करूँगा तो मुझे 200 रुपये तो वहाँ भी चाहिए रोज के, लेकिन वहाँ पे ऐसा है कि रूम नहीं लेना पड़ेगा और मैं कहीं भी रुक सकता हूँ ट्रेवल में, और अच्छी अच्छी जगह को एक्सप्लोर करूँगा ताकि मेरा यूट्यूब भी ग्रो हो और यूट्यूब से मुझे कुछ हेल्प मिले और मेरा चैनल मोनेटाइज हो और कुछ नाम मैं भी कमाऊँ और यूट्यूबर की तरह। तो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने और नहा के फिर मैं जाऊँगा मार्केट की ओर। और गाइज अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, लगभग 1 बज चुकी और सुबह से आज कुछ भी नहीं खाया क्योंकि भूख भी नहीं लग रही थी, रात में काफ़ी लेट खाना खाया हमने। और उसी जगह जा रहे हैं जहाँ रात में खाया था, काफ़ी अच्छा और सस्ता अच्छा खाना मिलता है वहाँ पर। और विजय भाई क्या कह रहे थे आप? पहली बात तो मेरा नाम विजय नहीं है, मेरा नाम है दिव्य प्रताप, ये भाई प्यार से हमें विजय कहते हैं। हाँ ठीक है, पर हम हर जगह ही विजय करके आते हैं इसलिए भी ये विजय कहते हैं हमसे। दूसरी बात ये कि भाई अभी जा रहा है इंडिया ट्रिप पे, तो मैं और मेरा मित्र शिवम नागर, ये हमारा मतलब बचपन से लंगोटिया यार है, तो हम इसको बधाई दे रहे हैं, इसको सी ऑफ करने जा रहे हैं, खाना खिला के सी ऑफ करेंगे भाई को, बधाइयां देंगे। आप सभी से निवेदन करता हूँ कि यार भाई सपोर्ट करो यार चैनल को, यार आप लाइक नहीं कर रहे हो, मतलब यार एक टाइम के बाद लोग इंसान परेशान होने लगता है, थोड़ा आप भी सपोर्ट करें। आप अगर व्लॉग्स देख रहे हैं भाई के लाइक करें शेयर करें, बड़ा मेहनत कर रहा है ये लड़का। ठीक है भाई साहब। और गाइस रात वाली होटल पे आ गए हम खाना खाने के लिए। और गाइस खाना पीना आ चुका है, आज विजय भाई के साथ खाना खा रहे हैं अपन। खाइए 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 बिल्कुल, और खाना खा के मिलते हैं अपन। और गाइस खाना पीना हो चुका है अभी हमारा, और धूप भी इतनी ज़्यादा पड़ रही कहाँ, अभी थोड़ी देर विजय भाई के रूम पे आराम करेंगे, उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद लगभग 4-1 बजे जाऊंगा यहाँ से। मैं आपको फिर से कहता बता दूँ कि मेरा नाम विजय नहीं है, दिव्य है। अरे भाई साहब वो तो पता है मेरे को, पता है मैं प्यार से बोलता हूँ। और थोड़ी देर रुक जाएंगे, इतनी गर्मी कम हो जाएगी, तो 4-1 बजे यहाँ से निकलेंगे और एक फ्रेंड से मिलना है, फिर उसके बाद अपने गोविंद भैया के पास चला जाऊँगा मैं। और भाई साहब अभी पहुँच गए हैं अपने रूम पर, थोड़ी देर यहीं पर आराम करते हैं फिर चलते हैं अपन। क्यों भाई साहब? और गाइस अभी मैं जा रहा हूँ, भाई मुझे छोड़ने जा रहा है और दिव्य भाई भी छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि मैं जाऊँगा C21 मॉल मल्हार, वहीं पे मेरा एक दोस्त रहता है उससे मिलके, और गोविंद भैया के पास पहुँच जाऊँगा मैं। दोस्तों भाई ने गजब कर दिया, इस बार नाम सही लिया मेरा। हाँ विजय नाम लिया जब भी। और फिर मैं गोविंद भैया के पास चले जाऊँगा, रात वहीं पर रुकूंगा और कल मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर दूँगा। ये भाई अभी वहां से जाकर है नीम करोली बाबा के यहाँ से। अरे यार ये वाला नहीं सीधा कर भाई, बस आगे जा रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। और गाइस अभी सिटी बस में बैठ चुका हूँ मैं, और अभी ये मुझे रास्ते तक छोड़ेगी, फिर बस चेंज करना पड़ेगा जब जाकर मैं C21 मॉल पहुँच पाऊंगा। और गाइस अभी मुझे जा रहा है C21 मॉल मल्हार, तो आई बस का टिकट मुझे यहीं से लेना पड़ेगा और अभी बस भी चेंज करना पड़ेगा मुझे। और गाइस आई बस आ चुकी है, इसमें बैठ के जाएंगे हम C21 मॉल मल्हार, और इसमें कुछ मेट्रो जैसा सिस्टम है, गेट खुलेगा यहाँ से और अंदर जाएंगे फिर ये।
और गाइस अभी बैठ चुके हैं अपन आई बस में और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इसका भी, और जिसके बाद में इसमें एसी भी है और गर्मी भी नहीं लगेगी आपको। और अभी अपन मलार पहुंच जाएंगे लगभग 8-10 मिनट में। और गाइस अभी आ गया हूँ मैं C21 मॉल मलार, एक फ्रेंड है मेरा तो वो आ रहा है मिलने यहीं पर, और जो ये है आई बस स्टॉप यहीं पर उतार दिया मुझे 15 रुपये और एक्स्ट्रा लगे क्योंकि यहाँ पर चलो ऐप नहीं चलता है आई बस में, और जो चलो ऐप चलता है वो बस यहाँ पर आती नहीं है, इसीलिए अभी उसी का वेट कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड का आने वाला है बस। और ये आई बस का बस स्टॉप और यहीं से वेट कर रहा हूँ मैं मेरे फ्रेंड का। और गाइस C21 मॉल में खड़ा हूँ काफ़ी देर का मैं, और जो एक मेरा फ्रेंड आया था तो उससे बात हुई मेरी लगभग आधा एक घंटा, पूरे मॉल घूमे हम, और काफ़ी अच्छे स्कूल फ्रेंड थे जब मैं IPS स्कूल में पढ़ता था, लगभग 8-10 साल बाद मिले हम, 3rd क्लास में साथ पढ़ते थे यार, शकल ही भूल गए हम तो एक दूसरे की, और काफ़ी मज़ा आया घूमने के बाद। कुछ हमने अभी चाय वाय पी और मॉल में गए थे अंदर, काफ़ी अच्छा बहुत बड़ा मॉल है C21 मॉल, ये मल्हार के पास है कुछ ऐसे अजीब सा नाम है, और यहीं से थोड़ी सी दूर अपना विजयनगर पड़ता है जहाँ अपने गोविंद भैया रहते हैं, तो अभी लगभग 8 बज चुकी है, उनके पास जाऊँगा रुकने के लिए, उनके पास रुकूँगा रात भर और सुबह में निकल जाऊँगा ऑल इंडिया राइड के लिए। C21 मॉल के बाहर का नज़ारा है कुछ ऐसा, काफ़ी अच्छा और लग रहा है आज तो वैसे, और काफ़ी साफ़ सफाई जो सुना था हमने वो यहाँ पे आके दिखता है हमें, और ये C21 मॉल के जो बाहर ये काम भी चल रहा है अभी। और गाइस कुछ इस तरीके का C21 मॉल अंदर से, और अभी अपन ऊपर भी चलते हैं, छोटी छोटी दुकानें जो बीच में लगी हुई है और काफ़ी बड़ी बड़ी भी है। और गाइस यहाँ पे एक ये है कि काफ़ी ज़्यादा रेट मिलता है हर एक चीज़ में, बहुत ज़्यादा रेट होता है जो अपन अफोर्ड नहीं कर सकते उस चीज़ को, लेकिन घूम जरूर लेंगे ये ज़रूर है। और अभी ऊपर देखते हैं कुछ इस तरीके का C21 मॉल, काफ़ी साफ़ सफाई है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और अभी हम सेकंड फ्लोर पे पहुँच गए, और यहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा डर भी लगता है, चक्कर जैसे आने लग जाते हैं इतनी ऊपर आके, जैसे मेरे को कुछ नहीं होता है, मेरे को नहीं आता चक्कर वक्कर भी। और गाइस C21 मॉल में इतनी देर से घूम रहा हूँ मैं, ठीक है, टी शर्ट का रेट 3-3 हज़ार रुपये गाइस, इतना महंगा सामान कौन लेगा, इसके पास पैसा है और इसके पास लाखों करोड़ों का बिजनेस है वही लेगा ये इन सामानों को, अपने जैसा मिडिल क्लास बंदा कभी नहीं ले सकता है। और गाइस ये वाला जूता है जो 19 हज़ार का है, इतने महंगे महंगे जूते हैं सारे, पूरा मॉल ही जूतों का ये वाला। और गाइस अभी पहुंच गए हम गोविंद भैया के रूम पर, और यहीं पर रहेगा आज का आशियाना अपना, और बगल में बैग रख दिया मेरा जो साथी है बैग, और यहीं पर रुकेंगे आज रात भर, लगभग 1 बज चुकी है, अभी हमने खाना खाया गोविंद भैया दोनों ने, और सुबह अपन यहाँ से फिर से चलेंगे कोई अच्छी लोकेशन देखेंगे मार्केट में, जहाँ अपना जो छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं वो वाला, और अपना दोस्त भी आ जाएगा इतने। तो आज का वीडियो बस, आज की वीडियो बस इतना ही, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।